खेराळु शहेरमां सिक्युरिटी अने इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा सिक्युरिटी अने सिक्युरिटी सुपरवाइजरनी भर्ती प्रक्रिया हाथ धरवामां आवी हती, जेमां खेराळु शहेर अने ग्राम्य विस्तारना 80 जेटला धोरण 10 पास अने नपास उमेदवारोए भाग लीधो हतो। उमेदवारोना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तेमज वजन, ऊंचाई अने छातीना मापदंड मुजब भर्तीनी प्रक्रिया करवामां आवी हती। SSCI ना कमांड श्री रामप्रकाश सिंहे जणाव्युं हतुं के आ भर्ती भारतीय सुरक्षा कार्यदक्षता नवी दिल्ली अने इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ना सहयोगथी मेहसाणा जिल्लाना जुदा जुदा तालुकामां सुरक्षा जवान अने सुरक्षा सुपरवाइजरनी भर्तीनुं आयोजन करवामां आवेल छे। भारत सरकार, राज्य सरकार, पुरातत्व, बंदरगाह, एरपोर्ट, मल्टीनेशनल औद्योगिक क्षेत्र अने बैंको वगैरे क्षेत्रोमां तालीम पूर्ण करनार उमेदवारोने नौकरीनी निमणूक आपवामां आवे छे अने प्रतिवर्ष पगार वधारो, प्रमोशन, PF, ग्रेज्युटी मेडिकल बोनस, पेन्शन जेवी सुविधाओ पण अपाय छे। तालीम सेंटर मेहसाणा खाते रहेशे। नोंध, आगामी भर्ती प्रक्रिया 18 ફેબ્રુઆરી 2022 ના રોજ વડનગર તાલુકા પંચાયત, 19 ફેબ્રુઆરી સલતાણા તાલુકા પંચાયત, 20 ફેબ્રુઆરી મહેસાણા તાલુકા પંચાયત, 26 ફેબ્રુઆરી કડી, 22 ફેબ્રુઆરી જોટાણા, 23 ફેબ્રુઆરી બેચરાજી, 24 ફેબ્રુઆરી વિજાપુર તાલુકા પંચાયત ખાતે ભરતી શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। મારું નામ રામપ્રકાશ છે। मैं एज ए कमांडेंट RTC मानसा गांधीनगर गुजरात। ये जो भर्ती प्रक्रिया की जा रही है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के तहत में, ये भारत सरकार के पसारा एक्ट 2005 के तहत में भर्ती की जाती है। ये मेहसाणा जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से भर्ती कैंप का आयोजन 15 तारीख से और 24 तारीख तक अलग अलग तालुका वाइज किया जा रहा है, जिसमें 15 तारीख को विश्वनगर तालुका में भर्ती किया गया, 16 तारीख को ऊंझा, 17 फरवरी को खेराळु, 18 फरवरी को बडनगर, 19 फरवरी को सतलासणा, 21 फरवरी को कड़ी, 22 फरवरी को जोटाणा, 23 फरवरी को खेराळु और 24 फरवरी को बीजापुर में भर्ती शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान में कुछ पात्रता क्राइटेरिया है, उसी के आधार पर ही भर्ती किया जाएगा। जैसे 10वीं पास होना जरूरी है, 1.68 सेंटीमीटर लंबाई, 55 किलो वजन, 21 से 36 साल उम्र और तंदुरुस्त जवान को यहाँ से सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन करने के बाद में उसको 1 महीने का प्रशिक्षण पसारा एक 2005 के तहत में दिया जाता है, जो मानसा गांधीनगर ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। ये गुजरात के अंदर में मानसा गांधीनगर में ट्रेनिंग सेंटर है। इनका जो तालीम 1 महीने का ट्रेनिंग प्रशिक्षण होगा वो मानसा गांधीनगर में होगा। ट्रेनिंग के दौरान में सुबह रनिंग होता है, PT होता है, ट्रेड है, ड्रिल है, एकेडमिक क्लास है, फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड, ये सब इसको मेन गेट ड्यूटी, बास्टाफ ड्यूटी, पेडरूम ड्यूटी, ये सब ड्यूटी पोस्टों को पढ़ाया जाता है। जब 1 महीना इनका प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण के बाद इनको POP पासिंग आउट परेड बोलते हैं, उसके तहत इनको पोस्टिंग होता है। इनका पोस्टिंग गुजरात में ही पोस्टिंग होता है। गुजरात में 8 ब्रांच हैं अलग अलग जगह पर, तो इनका पोस्टिंग रहता है। इनका परमानेंट नियुक्ति 65 साल टाइम तक रहता है। अब इनको स्टार्टिंग पगार 12,000 से लेकर 15,000 बीच में स्टार्टिंग पगार रहता है। PF प्रोविडेंट फंड है, ESI और मेडिकल सुविधा है, ग्रेजुटी है, जब रिटायरमेंट और लाखों लाख रुपये में ग्रेजुटी मिलती है और बोनस दिया जाता है। शेयर मार्केट में इस कंपनी का शेयर भी वो खरीद सकता है, ले सकता है। और इसके 2 बच्चे होते हैं, IPS स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था रहता है। फिर इनको जो कंपनी का काम से TADA भत्ता, अन्य भत्ता भी इनको दिए जाते हैं, तो ये सारी सुविधा दी जाती है। और कंपनी के काम से ज़्यादा TADA की व्यवस्था इनको दिया जाता है। एक इनको वेबसाइट दिया गया है www.ssciindia.com, इसको खुलेंगे उस पर पूरा माहिती जानकारी दिया गया जाता है। ब्रीफिंग पहले किया जाता है और एक प्रेसिडेंट सर का वॉइस मैसेज है, उस वॉइस मैसेज के साउंड से जो सुनाया जाता है सभी को, पहले माहिती करने के बाद तभी भर्ती किया जाता है। और परमानेंट नौकरी SIS सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के तहत में की जा रही है। आप सुन रहे हैं सत्य गुजरात एटले AB+ न्यूज़।